दोस्तों, इंडिया में जो महिंद्रा की कार्स है काफी सही परफॉर्म कर रही है कस्टमर्स के बीच में, और साथ ही में इस ब्रांड की जो सेल्स है वो भी काफी सही ग्रो कर रही है इंडिया में। लेकिन जो इस ब्रांड की रियल ग्रोथ हो रही है वो है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ब्रांड साउथ अफ्रीका के फास्टेस्ट ग्रोइंग कार ब्रांड्स में से एक है। सिर्फ जनवरी में इस ब्रांड की सेल 77% से इंक्रीज हुई है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका की कार मार्केट में इस ब्रांड का ऑलमोस्ट 3% का मार्केट शेयर हो चुका है। और जो कॉम्पिटिशन में इसके ब्रांड है ऐसे हल्के वल्के नहीं है, टोयोटा या फिर फोक्सवैगन है या फिर सुजुकी है, जो की डोमिनेंट ब्रांड्स है जो की पूरी दुनिया में बिकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जनरली देखें तो जो कस्टमर है वो इंडियन ब्रांड्स को कम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बड़े वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनकी ब्रांड वैल्यू पहले प्री एस्टैब्लिश्ड है। पर फिर भी जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं महिंद्रा की कार्स को परचेज कर रहे हैं और इस ब्रांड की जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं 1996 में, जिसमें महिंद्रा ने अपने जो ऑपरेशंस है वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करे, जिसमें इनिशियली इस ब्रांड ने जो अपने ट्रैक्टर्स है उनको साउथ अफ्रीका में बेचना स्टार्ट करा, क्योंकि जो अफ्रीका है काफी कुछ एक एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी है और वहां पे जो ट्रैक्टर्स है उनकी डिमांड काफी हाई थी। तो इसलिए महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर्स को वहां पे लॉन्च करा और जो उनकी सेल्स है वो डिसेंट होना शुरू हो गई। तो यहाँ तक सब बढ़िया चलता है, बढ़िया चल रहा है सब। लेकिन फिर दोस्तों रियल मजा आता है 2004 में, जिसमें महिंद्रा अपना पहला पैसेंजर व्हीकल साउथ अफ्रीका में लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है बलेरो पिकअप। और ये महिंद्रा ने इसलिए लॉन्च करा क्योंकि जो अफ्रीका है वहाँ पे जो कस्टमर है उन्हें पिकअप्स का काफी शौक है, और वहाँ पे जो पिकअप्स है उन्हें कहते हैं बकी, BUKKIE। तो जैसे हमारे इंडिया में छोटा हाथी कहते हैं या फिर ट्रक कहते हैं, वहाँ पे बकी कहते हैं। और जो साउथ अफ्रीका के कंज्यूमर्स है उन्हें इस वाले सेगमेंट का काफी शौक है, क्योंकि इससे उनके दो तीन पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। पहले तो ये काफी रगेड होते हैं, और जो साउथ अफ्रीका की टेरेन है काफी रगेड है, काफी ऐसे जंगल वंगल होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे थोड़े रगेड व्हीकल चाहिए होते हैं जो कि बड़े बड़े हो और काफी ऐसे ऑफ रोडिंग वाले हो। साथ ही में जो बकीज है काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि इसमें आपको पीछे काफी बड़ा एक ट्राला मिलता है, तो उसमें अगर आपको ऐसे सामान वामान डालना है, ऐसे गेहूं वेहू डालना है, तो आप डाल सकते हैं और बढ़िया कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और यही दो तीन फीचर्स की वजह से अगर आप देखें तो जो साउथ अफ्रीका की कार मार्केट है उसमें हर तीन में से जो एक गाड़ी बिकती है वो एक बकी होती है या फिर एक ट्रक होता है। इसलिए भाई वहाँ पे ट्रक आपको हर जगह दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब 2004 में महिंद्रा ने अपनी बलेरो पिकअप को लॉन्च करा इस वाली कंट्री में, तो इतनी कुछ सेल्स हुई नहीं। जो कस्टमर है उन्हें ऐसे चोमू सी गाड़ी लगी जो कि लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको प्राइस तो काफी डिसेंट मिलता है, काफी लो मिलता है, लेकिन जो फीचर है काफी कम है और काफी ऐसे चोमू से ट्रक है। दोस्तों, ये जो बात है महिंद्रा के दिल पे लग जाती है, और इसलिए 2006 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी स्कॉर्पियो गेटअवे, जो कि इस ब्रांड की जो स्कॉर्पियो है उसका एक पिकअप वाला वर्जन है, जिसमें आपको सामने से जो गाड़ी है पूरी स्कॉर्पियो मिलती है, लेकिन पीछे इस गाड़ी में आपको ट्राला मिलता है जिसमें अगर आपको सामान वगैरह डालना आप डाल सकते हैं। और ये जो ट्रक है इसका इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों जो इंडिया में ट्रक्स वगैरह है उनका शौक इतना कुछ है नहीं कस्टमर्स को। पर दोस्तों, मुझे गारंटीड है कि आप सबको एक चीज का शौक है और वो है गाड़ियां। और अगर आपको गाड़ियों का शौक है तो कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लो एक रियल कारवर्सल प्रो बनने के लिए, और अपना जो गाड़ियों का शौक है उसे दिखाने के लिए। हमारे 5,85,000 सब्सक्राइबर हो गए, 6 लाख का एम है, 15,000 रहते हैं। तो भाइयों जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ, और मैं आपकी वेट कर रहा हूं। पहले जाके सब्सक्राइब करो, फिर जो वीडियो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो कर लिया होगा आपने सब्सक्राइब। ये जो स्कॉर्पियो गेटअवे है भले ही इंडिया में थोड़ा बहुत पिट गई, लेकिन साउथ अफ्रीका में फिर इस ब्रांड ने इसे लॉन्च करा स्कॉर्पियो पिकअप के नाम से, और वाह भाई वहां पे इस ब्रांड के चार चांद लग गए। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस ब्रांड की सेल्स कुछ बढ़ गई हो या फिर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई हो, सेल्स भाई अभी भी लो ही थी। और जैसे इंडिया में अभी फिलहाल इसुजू है ना, कि उनकी गाड़ियां इंडिया में बिक रही है, थोड़ी बहुत बिक जाती है कभी कभार, लेकिन भाई कुछ जानता नहीं है, समझ रहे हो, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रांड बिक रहा है या फिर नहीं बिक रहा। उन्हें अपने मस्त दो तीन ब्रांड है, ह्यूंडई, टोयोटा या फिर फोक्सवैगन, के बढ़िया मजे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर थोड़े टाइम में ये जो स्कॉर्पियो का पिकअप था इसकी पॉपुलैरिटी साउथ अफ्रीका में काफी बढ़ने लग गई, और इसके बढ़ने की काफी बढ़िया रीजन है जो कि आपको बताता हूँ। कि अगर आप साउथ अफ्रीका के सारे ट्रक देखो तो उसमें जो सबसे डोमिनेंट है उनका नाम है टोयोटा हाइलक्स या फिर फोर्ड रेंजर या फिर फोक्सवैगन एमरॉक या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर 79। और ये सारे अगर आप ट्रक्स देखो तो सारे थोड़े प्रीमियम साइड में है, जिनमें आपको फीचर बढ़िया मिलते हैं, आपको जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है काफी सही मिलती है और आपको सही टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन भाई थोड़े महंगे हो जाते हैं, समझ रहे हो। जिसमें अगर आप टोयोटा हाइलक्स देखे तो उसका जो बेस मॉडल है जो कि साउथ अफ्रीका में बिकता है वो सिंगल कैप वाला है, जिसमें आपको बेसिक सारा कुछ मिलता है, आपको छोटा वाला डीजल इंजन मिलता है, और उसका जो साउथ अफ्रीका में प्राइस है एक शोरूम वो है 17 लाख के आसपास का, और ये एकदम बेयर बोन ट्रक है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, ऑलमोस्ट 4x2 ट्रक है। और वही अगर आप हमारे महिंद्रा का स्कॉर्पियो पिकअप देखे तो उसका प्राइस स्टार्टिंग वाले मॉडल का 2 कैप वाले का उधर 10 लाख रुपए का है, तो आपको 7 लाख रुपए की सेविंग हो गई। और इसमें आपको और कुल चीज दिखाता हूँ कि जो हमारा स्कॉर्पियो पिकअप है उसमें कंपनी क्लेम करती है कि आपको 1000 किलो की पेलोड
कैपेसिटी मिलती है, और वही जो टोयोटा हाइलक्स है उसमें कंपनी क्लेम करती है कि आपको 875 केजी की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। तो जो कस्टमर्स है उन्हें ऑलमोस्ट आधे प्राइस में जो महंगे वाला ट्रक है उससे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी मिल रही है। तो भाई और क्या चाहिए जिंदगी से। और साथ ही में जो महिंद्रा वाला ट्रक है उसमें हमको ज्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है एज कम्पेयर टू टोयोटा वाला ट्रक, क्योंकि जो उसका इंजन साइज है वो भी छोटा है। तो ये तो भाई बढ़िया चीज होगी, महिंद्रा ने तो टोयोटा तक को बीट कर दिया। और इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम डबल कैब वाले वर्जन में आते हैं जिसमें आपको दो रो ऑफ डोर्स मिलते हैं, तो अगर आप टोयोटा हाइलक्स के डबल कैब वाले वर्जन में आते हैं तो उसका जो बेस मॉडल है उसका प्राइस अराउंड 25 लाख रुपए का है साउथ अफ्रीका में एक शोरूम 25 लाख रुपए का, जिसमें आपको 2750 2750 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और वही जो हमारा स्कॉर्पियो पिकअप है उसका प्राइस साउथ अफ्रीका में डबल कैब वाले वर्जन के लिए अराउंड 16 लाख रुपए का है, तो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए की आपकी सेविंग हो गई। और इस वाले ट्रक में आपको 2500 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, तो दोनों ट्रक्स में सिर्फ 200 किलो का फर्क है टोइंग कैपेसिटी में, लेकिन जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल है टोयोटा वाले ट्रक का एज कम्पेयर टू महिंद्रा वाला ट्रक। और अगर आप खुद देखो भाई प्रैक्टिकली, अगर आप मानो एक ट्रक खरीद रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा उसे ऊपर तक लोड करके उसमें पूरा 3-4 हजार किलो डाल के उसे हर बारी चला रहे हो, आप हमेशा उसे कैपेसिटी से कमी लोड करोगे। तो इसलिए अगर आप देखो तो जो महिंद्रा वाला ट्रक है काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू टोयोटा वाला। और साथ ही में अगर आप और सस्ते सेगमेंट में आते हैं फॉर एग्जाम्पल बलेरो वाला ट्रक, तो उसका प्राइस तो 10 लाख से भी कम का है वहां पे। और इस वाले ट्रक में आपको 1100 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, तो इसमें आपको हाइलक्स का जो ट्रक है जो कि 30-35 लाख का आ रहा है उससे आपको ज्यादा बढ़िया पेलोड कैपेसिटी मिलती है उसके 1/3 प्राइस में। पर दोस्तों इतना कुछ ऑफर करने के बाद भी इस ब्रांड की जो सेल्स है कुछ ज्यादा ग्रो करी नहीं। 2015-16 के आसपास भी इस ब्रांड की जो मंथली सेल है अराउंड 300 यूनिट के आसपास की थी, जो कि बहुत ही कम है। और इस ब्रांड को अपने साउथ अफ्रीका वाले ऑपरेशंस में लॉसेस हो रहे थे, मतलब अगर ये ब्रांड गाड़ियां बेच रहा था तो उन्हें लॉस हो रहे थे। पर फिर दोस्तों इस ब्रांड ने एक बड़ा स्टेप लिया जिसमें 2018 में इस ब्रांड ने अपनी एक लोकल असेंबली प्लांट शुरू करा साउथ अफ्रीका में, जिसमें ब्रांड अभी तक क्या कर रहा था कि अपनी गाड़ियों को इंडिया में बना के साउथ अफ्रीका में इंपोर्ट करके उन्हें बेच रहा था और थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहा था, जिससे जो कार्स है उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा था। और वही जो बाकी सारे कार मेकर है फॉर एग्जाम्पल फोक्सवैगन या फिर टोयोटा, वो लोकली असेंबल कर रहे थे अपनी गाड़ियों को, तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना हम भी लोकली असेंबल करें, जिसमें ब्रांड अपनी सारी कार्स के जो पार्ट है उन्हें लोकली इंडिया में बना रहा था, फिर उन्हें साउथ अफ्रीका में ला के लोकली असेंबल करके इस वाली फैक्ट्री में फिर गाड़ियों को बेच रहा था, जिससे जो गाड़ी है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो गई, साथ ही में जो गाड़ी है उनका प्राइस रिड्यूस हो गया, और साथ ही में महिंद्रा की जो सेल्स है थोड़ी इंक्रीज हुई। लेकिन दोस्तों जो इस ब्रांड के पास रियल ग्रोथ आई साउथ अफ्रीका में वो तब आई जब इस ब्रांड ने अपनी फैक्ट्री को खोल के अपनी जो कार्स है उनमें कस्टमाइजेशन ऑफर करी। और कस्टमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इस ब्रांड ने ऐसे कोई बड़े बड़े पहिए लगा दिए या फिर स्पॉइलर लगा दिया, ऐसे छोटी बच्ची वाले काम नहीं करने। छोटी बच्ची हो क्या? कस्टमाइजेशन का मतलब कि जो ट्रक है उसको उसके यूज के हिसाब से कस्टमाइज करना, कि फॉर एग्जांपल कोई ओनर है जिसे ट्रक को ऑफरोडिंग करानी है तो उसे पहले ऑफरोडिंग वाला स्पेक भेज देना, या फिर कोई कस्टमर है जिसे जो अपना ट्रक है उसे कन्वर्ट करना है एम्बुलेंस में तो उसे पहले एम्बुलेंस वाला वर्जन भेज देना। तो यही महिंद्रा ने करा, जिसमें जो उनका स्कॉर्पियो पिकअप है उसके इतने सारे वर्जन लॉन्च कर दिए। फॉर एग्जांपल S6 डबल कैब माइनिंग, जिसमें इस ट्रक का एक माइनिंग वाला वर्जन है जिसमें आपको मोटे टायर मिलते हैं, आपको छत में थोड़े बहुत एक्सेसरीज मिलती है जो कि आपके माइनिंग वाले काम में मदद करेगी, या फिर इसका S4 गेम यूअर, जिसमें आपको पता होगा कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें काफी ऐसे फॉरेस्ट सफारी होती है जिसमें गाड़ी होती है जो कि ऐसे आपको जंगल में लेके जाती है और ऐसे चीते वीते दिखाती है। तो इसमें वहां के लोग पहले क्या करते थे कि जो अपनी गाड़ी है उसे नॉर्मल लेते थे और बाद में फिर उसमें मॉडिफिकेशन करा के उसे वैसा बनाते थे, लेकिन महिंद्रा ने उसे पहले बना बनाया बेचना शुरू कर दिया, या फिर इस ब्रांड ने लॉन्च करी S6 एम्बुलेंस जो कि इसके स्कॉर्पियो पिकअप का एक एम्बुलेंस वाला वर्जन है, या फिर इसका S4 रेफ्रिजरेशन जो कि इसके स्कॉर्पियो का एक थोड़ा सा फ्रिज वाला वर्जन है, जिसमें अगर आपको ऐसे बढ़िया फ्रूट चिल वगैरह रखनी है आप रख सकते हैं। और भाई मैं तो आजकल इतनी ज्यादा फ्रूट चिल खा रहा हूँ, हर दिन की 3-4 खा रहा हूँ भाई, मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ लिटरली फ्रूट चिल से भाई, ये एडिक्शन भारी ना पड़ जाए। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। तो दोस्तों फिर ये जो कस्टमाइजेशन है इसे ऑफर करने से जो ब्रांड है उसे ये फायदा हुआ कि जो उसकी सेल्स थोड़ी बढ़ गई, उसका रेवेन्यू थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जो कस्टमर है उन्हें एग्जैक्टली वैसी गाड़ी मिल रही थी जो कि उनका यूज है, तो इसलिए कस्टमर को बहुत ही बढ़िया लगा। और कस्टमर का ये फायदा हो गया कि उन्हें जो गाड़ी है पूरी कंपनी से मिल रही है बनी बनाई, तो इसलिए जो सारे पार्ट्स है उस पर वारंटी मिलने वाली है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि कोई पार्ट खराब हो जाए, और कंपनी एकदम वेल डिजाइन करके गाड़ी बना रही है तो उसमें खराबी आने के काफी कम चांस है एज कम्पेयर टू बाहर से उस गाड़ी को बनवाना। और जो महिंद्रा के साउथ अफ्रीका के सीईओ है भी ये कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग द असेंबली प्लांट इज दैट वी कैन इंट्रोड्यूस स्पेशल एडिशन मॉडल्स एंड अडैप्ट सर्टेन पिकअप मॉडल्स टू सूट आवर कस्टमर्स। तो ये दोस्तों काफी इस ब्रांड के फायदे में आया और इस ब्रांड की जो सेल्स है काफी बढ़ गई। पर दोस्तों जो स्टोरी है यहाँ पे एंड नहीं होती, इस ब्रांड की सेल्स और कंटिन्यूसली ग्रो करते गई, क्योंकि इस ब्रांड ने जो अपनी आफ्टर सेल सर्विस है उस पर काफी ध्यान दिया, क्योंकि जो बाकी सारे बड़े ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल Hyundai या फिर Toyota, उनके जो पार्ट है थोड़े महंगे थे क्योंकि जो कार्स है वो भी काफी महंगी थी, लेकिन इस ब्रांड के जो पार्ट्स है काफी सस्ते थे, और इसी की वजह से इस ब्रांड की जो सर्विस
सर्विस है वो भी काफी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू बाकी सारे ब्रांड्स जो कि इसके सेगमेंट में आ रहे हैं। और इसी पे डबल ए किन्जी जो कि एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने जो KUV100 है उसे साउथ अफ्रीका की सबसे लो मेंटेनेंस गाड़ी बताया, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है भाई। और वो मेजरली इसलिए है क्योंकि जो गाड़ियों के पार्ट है काफी सस्ते है, और जो इस ब्रांड के ट्रक्स वगैरह भी है फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो पिकअप या फिर बलेरो पिकअप, उनकी भी जो मेंटेनेंस है काफी सस्ती है एज कम्पेयर टू बाकी सारे ब्रांड, और इसलिए इस ब्रांड की जीत हो रही है वहां पे। और इसी वाले केक पे जो केक तैयार हो गया उस पे चेरी एक और बन गई कि जो XUV300 है जो कि इस ब्रांड ने अराउंड 2019-20 के आसपास लॉन्च करी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वो वहां की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। तो एक इंडियन गाड़ी साउथ अफ्रीका की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है, तो इसलिए जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट और बिल्डअप होता जा रहा है, और जो कस्टमर है इस ब्रांड की गाड़ियां और खरीदते जा रही है। और वहां के जो कार रिव्यूअर्स है भाई इतने कुछ ज्यादा है नहीं, उनके व्यूज भी काफी कम आते हैं, और मैं उनकी वीडियो देख रहा था कि उनका क्या रिस्पॉन्स है इस वाले ब्रांड की कार्स के लिए, और एक रिव्यू तो ये है। You can sum up two of these buckies for the price of one. तो जो ये वाले अंकल है वो ये कह रहे हैं कि आप एक हाइलक्स के प्राइस में ये दो स्कॉर्पियो पिकअप ले सकते हो, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है, और साथ ही में इसमें आपको रिलायबिलिटी बढ़िया मिलती है, तो इसलिए भाई क्या टेंशन। फिर ये वाले जो कार रिव्यूअर है वो ये कह रहे हैं these LED lights, how it goes there and then comes down, and then these are the fog lights. The look of this alone is amazing. The car looks amazing. जो ये वाली car reviewer है, वो ये कह रही है. The turbo diesel is a marvel to drive. The engine, the gearbox are like It's absolutely perfect. कि जो इंजन है XUV300 का काफी पावरफुल है और काफी मजा आता है चलाने में, तो इसलिए दोस्तों ये सारे फैक्टर्स को मिला के जिसमें जो कस्टमर उन्हें पसंद आ रही है गाड़ी, जो गाड़ी है उनका प्राइस काफी कम है, उनमें आपको कैपेबिलिटी बढ़िया मिलती है, और साथ ही में जो कार्स है उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम है, काफी फैक्टर इन कर रहे हैं इस ब्रांड की ग्रोथ में। और अभी कुछ ही महीनों में ये ब्रांड अपनी XUV700 और जो महिंद्रा थार है उसे भी लॉन्च करने वाला है साउथ अफ्रीका में। और मैं मानता हूँ पर्सनली कि जो महिंद्रा है वो साउथ अफ्रीका के टॉप 5 ब्रांड में आ सकता है अगर ये ब्रांड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे। और जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने इस ब्रांड की जो बढ़िया वाली कार्स है वो तो देखी नहीं है, फॉर एग्जांपल XUV700 या फिर महिंद्रा थार, जब वो लॉन्च होगी भाई उनका क्या मजे आएंगे। और ये तो मैं आपको सिर्फ साउथ अफ्रीका का सिनेरियो दिखा रहा हूँ, जो इस ब्रांड की ऑस्ट्रेलिया वाली डिवीजन है वो भी काफी तगड़ा परफॉर्म कर रही है, वहां के जो कस्टमर है वो भी काफी प्रेफर कर रहे हैं इस ब्रांड की कार्स को। तो अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो 20,000 लाइक चाहिए इस वाली वीडियो पे, और साथ ही में 5,000 सब्सक्राइबर अगर आप कंप्लीट करा दोगे तो उस पे बढ़िया वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू भाइयों आपको वीडियो देखने के लिए।